हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मायसेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का सारा एजुकेशन सब मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस बकायदा वीडियो फॉर्मेट में, वो भी बिखरा हुआ नहीं, पूरा जमा हुआ। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका एक तरफा टॉपिक दैट इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको आप प्यार से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय लगाए जल्दी स्टार्ट करते हैं पूरा कंटेंट, ठीक है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी, थोड़ा जांच पड़ताल कर ली जाए कि एग्जैक्टली यहां पे क्या पढ़ना पड़ता है। जहां तक इसकी बात है ना, फोर्स बिटवीन चार्जेस की, ठीक है, जहां तक बात है फोर्स बिटवीन चार्जेस की, तो ये फोर्स आप लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। इस पर एक बकायदा डिटेल्ड सेपरेट वीडियो था विच वॉज टॉपिक्ड एज कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है बेटा, मल्टीपल चार्जेस के बीच में, या फिर ऐसे पकड़ ले कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है, अब वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर दो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर साइन कन्वेंशन के चार्जेस हैं, तो वहां पे आएगा रिपल्शन। अगर दो चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या ये वाला पॉजिटिव हो गया ये वाला नेगेटिव हो गया, तो यहां पे अट्रैक्शन काम करेगा। अब ये जो अट्रैक्शन हो गया, जो रिपल्शन हो गया, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली फोर्सेस हैं, ठीक है। तो क्या काम करने वाले हैं बेटा, फोर्सेस काम करने वाले हैं चार्जेस के बीच में। और वो फोर्स हम कैसे निकाला करते थे, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कूलम्स लॉ याद होगा, याद अगर है, होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जा करके टाइम स्टैम्प को मार्क करके लिख देना कि सर आपने पूछा कूलम्स लॉ क्या होता है, और हम अच्छे बच्चे हमको सब याद है। तो F = क्या होता है बेटा, फार्मूला K Q1 Q2 / R² जहां पर K क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है उसका, 1/4πε0, और अल्टीमेटली पूरा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है इसकी, K की क्या वैल्यू आती है, 9×10⁻¹, ठीक है। चलो अब क्या लिखा है, द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, दैट वी ऑलरेडी नो। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करेगा ना, दैट इज बेसिकली इवैल्यूएटेड बाय कूलम्स लॉ। हाउएवर व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज, अब सुनना यहां पे बहुत ही बारीकी से, However, when we have to calculate the force on a charge due to several stationary charges, ठीक है, बहुत सारे static charges की वजह से अगर हमें force निकालना होगा किसी एक charge के ऊपर, then we use the principle of superposition. Then we use the principle of superposition in addition to Coulomb's law, ठीक है। ये basically superposition क्या है, यहां से आपको मिलने वाला है force on a single charge due to multiple charges, ठीक है। अब ये पूरा फंडा क्या होता है मैं पूरा दिखाने वाला हूं। अब ये जो इसका स्टेटमेंट है, ये जो इसका स्टेटमेंट है, यहां से इसका स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो यहां से इसका स्टार्ट होने वाला है स्टेटमेंट। लेकिन अब मैं आपको जरा इसके बारे में ना थोड़ा सा और परसेप्शन डेप्थ में क्लियर करता हूं, ठीक है। तो रेडी हो भाई लोग सब, चलो आ जाओ। अब जैसे मान लेता हूं मैं कि मेरे पास ना एक चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या मैं इस चार्ज की वैल्यू को Q नॉट बोल सकता हूं, चलेगा आप लोग को इतना, ठीक है। वैसे भी होता क्या ना कि जो Q नॉट का सिंबल है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिजर्व करके रखा है अपने दिलो दिमाग में एज ए टेस्ट चार्ज, ठीक है। बेटा टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज दरअसल एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। और टेस्ट चार्ज को हम बेसिकली यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, ठीक है, उसके इफेक्ट को महसूस करने के लिए। तो वो इफेक्ट को टेस्ट करता है, इफेक्ट को महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, इसलिए इसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज। यूजुअली क्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब एक चार्ज तो अपन ने यहां पे रख दिया क्यू नॉट, ठीक है। अब इसके आसपास ना बहुत सारे और चार्जेस की प्लेसमेंट करते हैं, एक चार्ज हम लोगों ने यहां रख दिया, ठीक है। मैं एक काम करूं क्या, मैं इस चार्ज को ना हल्का छोटा बनाता हूं, ये था Q नॉट वाला चार्ज, ठीक है। फिर मैंने एक चार्ज को वहां पर प्लेस कर दिया, फिर एक चार्ज को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, फिर एक चार्ज को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, फिर एक चार्ज को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, फिर एक चार्ज को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, ऐसे मल्टीपल चार्जेस का मैंने प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। अब जरा आप गौर फरमाते हुए चलिएगा, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी,
ये सबकी दूरियां अपने को अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। मान लो अलग अलग दूरियां हैं इसकी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बेटा अपन जानते हैं क्या, मल्टीपल चार्जेस के बीच में ना फोर्स काम करता है। अब अगर दोनों का साइन कन्वेंशन सेम हुआ तो फिर वहां पे कैसा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव काम करेगा। लेकिन अब हम श्योर नहीं है ना, अभी हम श्योर नहीं है ना कि यहाँ पे चार्जेस प्लस में है कि माइनस में है, कि कैसा पूरा सीन बनने वाला है। तो यहाँ जब हम श्योर नहीं होते ना कि अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, तो हम एक टर्म यूज कर लेते हैं, उसे कहा जाता है इंटरैक्शन, ठीक है। इंटरैक्शन शब्द का मतलब ये है कि भाई जो बताना चाह रहे हैं ना वो खुद में अभी कंफर्म नहीं है कि अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, ठीक है। और हम कंफर्म क्यों नहीं है, बिकॉज हमें साइन कन्वेंशन के बारे में कोई जानकारी नहीं देके रखी हुई है, दैट्स व्हाई हम अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे। ये मेरे पास क्यू नॉट था, नाउ लेट सपोज दिस चार्ज इज क्यू वन, ठीक है। लेट सपोज दिस चार्ज इज वॉट Q2, let's suppose this charge is what Q3, उसके बाद अब इसको फिर अपन मान लेते हैं Q4, ऐसे भाई साहब n number of charges हैं, तो Q subscript n मान लिया अपन लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करें इसका ना, अपन जरा एक बार सेपरेशन डिस्टेंस तो लिख लें, ठीक है। तो ये जीरो से, जीरो नहीं बोलेंगे इसको, नॉट बेसिकली, ठीक है। तो ये क्यू नॉट से लेकर के क्यू वन तक के बीच की दूरी है, तो इसको मैं आर नॉट वन बोल दूंगा, तो आप समझ जाएंगे ना कि इन दोनों के बीच की दूरियों की बात हो रही है। इत्मीनान से बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हुए बता रहा हूँ, बिकॉज क्या इनिशियल चैप्टर्स है, यहाँ पे आपका अगर परसेप्शन सही हो गया चार्जेस के बारे में, तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में ना आपके लिए स्मूथ फ्लो रहेगा, बहुत ही स्मूथ बटर फ्लो रहेगा। लेकिन अगर अभी ऐसा हो गया ना कि आपने जल्दीबाजी में कुछ चीजें पढ़ ली, तो उसमें होगा क्या कि कॉन्सेप्ट पूरा आपके हाथ में नहीं आ पाएगा, आधा आप पढ़ पाओगे, आधा आप समझ पाओगे, उसका आधा भी आपको याद रह पाएगा, ठीक है, और बहुत कुछ तो छूट ही जाएगा, आया समझ में। तो वैसी गलती हम क्यों करेंगे भाई, वैसी गलती अपन नहीं करने वाले, इसलिए मैं बोल रहा हूं इत्मीनान से समझते हुए चलना, बिल्कुल भी गलती मत करो। यहां पे क्यू नॉट और क्यू टू के बीच का डिस्टेंस, तो ये आर नॉट टू हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा आर नॉट थ्री हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आर नॉट फोर हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा आर नॉट एन। आया समझ की नहीं आया, आया समझ की नहीं आया। अब हम क्या जानते हैं कि यार यहाँ पे सर किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स काम करता है, ठीक है, दैट कुड बी अट्रैक्टिव फोर्स ऑल्सो, दैट कुड बी रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो, तो यहां पर भी फोर्स काम करेगा, यहां पर भी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। मान लेते हैं अभी के लिए, अभी के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। हालांकि जैसे अब ये Q1 हो गया, तो Q1 की वैल्यू -5 कूलम भी हो सकती है भाई, ठीक है, और Q1 की वैल्यू +10 कूलम भी हो सकती है, कहने को कुछ भी हो सकती है, बट अभी के लिए कहना कि आपका परसेप्शन सही बैठे, तो अपन इमेजिन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि सारे के सारे क्या है, अभी के अभी हमने मान लिया कि सारे के सारे हैं पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेगा बहुत ही बेहतरीन तरह से, मतलब हर दो पेयर के बीच में रिपल्शन होना लाजमी है फिर, तो अगर सारे के सारे पॉजिटिव ही है तो हर दो पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में रिपल्शन होना लाजमी है, मतलब ये वाला क्यू नॉट को रिपेल करेगा, क्यू नॉट वाला भी क्यू वन को रिपेल करेगा, क्यू नॉट वाला क्यू वन को रिपेल करेगा, क्यू वन वाला भी क्यू नॉट को रिपेल करेगा, क्यू नॉट वाला क्यू टू को रिपेल करेगा, क्यू टू वाला क्यू नॉट को रिपेल करेगा। सिमिलरली ऐसे ही करते 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 क्यू नॉट वाला क्यू फोर को रिपेल करेगा, क्यू फोर वाला भी क्यू नॉट को रिपेल करेगा, तो यहां पर बन रहे हैं बहुत सारे पेयर। इनफैक्ट फिर इनको भी क्यों छोड़ेंगे, क्यू थ्री वाला क्यू फोर को रिपेल करेगा, और क्यू फोर वाला भी Q3 को रिपेल करेगा, Q3 वाला Q2 को रिपेल करेगा, ऐसे बनते जाएंगे भाई बहुत सारे पेयर, ठीक है। अब यहां पे क्या है ना कि फिर तुम्हारा दिमाग चकराएगा कि भाई कितने फोर्सेस निकालने पड़ेंगे यार, कितने फोर्सेस निकालें, हर दो पेयर के बीच में फोर्सेस हैं, हर दो पेयर के बीच में फोर्सेस हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सवाल फ्रेम होता है, तो वहां पे सवाल ऐसा फ्रेम होता है कि आपको किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्टली 99% केसेस में जब भी सवाल फ्रेम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आपको किसी एक चार्ज के ऊपर, किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना होगा। हां मैं इस बात को मानता हूं कि इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन है, ठीक है, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, हां मैं इस बात को भी मानता हूं कि ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा है, फिर ये वाला इसको, ये वाला इसको, मैंने कहा था सबके बीच में फोर्सेस काम करेंगे, लेकिन आपको ना पूरा फोकस करना है किसी एक चार्ज के ऊपर, बिकॉज सवाल का रेफरेंस, मतलब सवाल का फ्रेमिंग भी ऐसा होगा कि किसी एक चार्ज पर आपको नेट फोर्स निकालना होगा। आया समझ में? तो अब अगर मैं आपकी आपकी जो पूरी थॉट प्रोसेस एकदम यहां वहां भग रही है ना, अगर मैं उसको जरा समेट के लेकर के आऊं, मैं अगर आपको बोल दूं
क्यू नॉट के ऊपर आपको फोर्स निकालना है। क्या बोला मैंने कि आपको फोर्स निकालना है क्यू नॉट के ऊपर। हम मानते हैं कि सबके बीच में फोर्स काम कर रहा है, बट हमारा पूरा पॉइंट ऑफ एम क्लियर हो चुका है कि हमको निकालना है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट, एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलो बेटा, तो सही बात है फिर तो, मतलब क्यू नॉट पे किस किस ने फोर्स अप्लाई करा। तो पहले क्यू नॉट को क्यू वन रिपेल करेगा, फिर क्यू टू रिपेल करेगा, फिर क्यू थ्री रिपेल करेगा, फिर क्यू फोर रिपेल करेगा, क्यू फाइव रिपेल करेगा, Q6 रिपेल करेगा, टेल Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस के पास प्लेस्ड है, तो सब मिलकर के रिपेल करेंगे और सारे फोर्सेस का हम वेक्टर समेशन निकालेंगे, तब जाकर के हमको मिलने वाला है नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। ठीक है, आया समझ में? सर वेक्टर समेशन का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से ये वाली कहानी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वेक्टर समेशन का मतलब क्या होता है, तो बेटा मैं आपको ना एक चीज थोड़ी सी यहां पर क्लियर कर देता हूं। स्केलर सम का मतलब क्या होता है? स्केलर सम का मतलब नॉर्मल समेशन भाई। स्केलर सम में ऐसा कोई मतलब इतना बड़ा झमेला नहीं होता है। ठीक है, स्केलर में सिंपली ऐड कर दो, लेकिन वेक्टर सम में एक अलग मसला है। ऐसा मान ले, फॉर एग्जांपल मैं अगर देखो बोलूं, एक बॉडी यहां पर है, ठीक है, इस पर एक फोर्स यहां पर ऐसे काम करा, ठीक है, लेट मी कॉल दिस फोर्स एज एफ1, और एक फोर्स यहां पे इस पे ऐसे काम करा, लेट मी कॉल दिस फोर्स एज एफ2। ठीक है, तो अब इस बॉडी पे क्या हो रहा है सर? इस बॉडी पे काम कर रहे हैं दो फोर्सेस, एक इधर काम कर रहा है F1 और एक इधर काम कर रहा है F2। अब यार एक बात तुम सोच के चलो, ठीक है, पहली बात तो ये जो फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस आर बेसिकली द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटीज हैं ये? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेटा कि अब ना मुझे निकालना है कि ये जो येलो वाली बॉडी है, इस येलो वाली बॉडी पे कितना नेट फोर्स काम करेगा। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल फोर्स। अब मैंने तुमको ये बता दिया, F1 का फोर्स यहां पे काम कर रहा है, F2 अमाउंट का फोर्स यहां पे काम कर रहा है, अब बताओ कि इस पे टोटल फोर्स कितना काम करेगा। तो भाई किसी भी हालत में तुम ये मत बोलना कि टोटल फोर्स जो है वो F1 प्लस F2। सिर्फ अगर तुम उसकी वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हो तो इस बात पे हम बुरा मान जाएंगे। क्यों भाई? आप ये समझिए ना, F1 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, F2 ऊपर वाले डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसे केस में आपको लगता है कि नेट फोर्स F1 प्लस F2 हो जाएगा? नहीं, F1 प्लस F2 नहीं होगा, यहां पे आपको रिजल्टेंट का मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप देखेंगे ना कि ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है, तो वो दरअसल ऐसा लिखा होता है कि जो नेट फोर्स होगा ना, दिस इज द वेक्टर समेशन ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, दिस इज द वेक्टर समेशन ऑफ F1 एंड F2। इसका मतलब कुछ नहीं है, अगर वेक्टर समेशन लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अगर F1 प्लस F2 वेक्टर लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं इस पूरी बात को। अब जरा गौर करिएगा अच्छे से। ठीक है, यहां पे ऑब्वियसली आप स्केलर समेशन नहीं निकालने वाले। ठीक है, ये मासस थोड़ी है कि 10 kg प्लस 4 kg बोले तो 14 kg, ऐसा नहीं होने वाला भैया। यहाँ पे F1 इधर F2 इधर, तो इस वाले केस में पहली बात तो ये, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मान लो ऐसे कहीं इस तरफ काम कर रहा होगा, मान लिया ऐसे काम कर रहा होगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट जो है वो मान लो ऐसे काम कर रहा है, और लेट मी कॉल दिस, अरे लंबा सा बन गया तू, इसका रिजल्टेंट ना ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, चलेगा आपको? और यहां पे इसको अपन बोल देंगे F नेट या फिर FR, इसका मतलब होता है रिजल्टेंट। ठीक है, F नेट या FR। और अब मैं आप लोगों को जरा बता दूं, हालांकि आपको पता होगा कि कैसे निकलेगा इसका रिजल्टेंट। अब मेरी बात पर जरा गौर करते हुए चलना बेटा, यहां पे क्या है, F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है? थीटा। हालांकि दिख रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन हर बार 90 डिग्री हो ये तो जरूरी नहीं है ना। तो मान लो कि अभी थीटा है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कई लोग को उसका फॉर्मूला पता होगा, क्लास 11th में अपन पढ़ के आ चुके हैं। नहीं पढ़ा, नहीं ध्यान दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ ले। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है ना, तो किसका निकालना है? F1 का और F2 का। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई इतनी बात समझ बेटा? तो यहां पे ना ये तरीका होता है हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, और इस रिजल्टेंट को आप कह सकते हो कि ये वेक्टर समेशन है। ठीक है, इस रिजल्टेंट को आप बोल सकते हो कि ये वेक्टर समेशन है। हालांकि इसके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो और भी चीजें दमदार तरह से क्लियर होंगी। ठीक है, दिस इज द वेक्टर एडिशन,
इसमें आपको डायरेक्शन के बारे में खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू पकड़ो और ऐड कर दो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। वेक्टर्स में आपको चेक करना पड़ता है कि भाई कितने एंगल पे काम कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स, ठीक है, वो सब एक बार ध्यान देना पड़ता है। अब दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ये तो तब हुआ जब दो वेक्टर्स का निकालना होगा वेक्टर समेशन, ठीक है, तो हम ऐसा वाला फॉर्मूला जो अप्लाई कर लेंगे, खासतौर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है किसी बॉडी पे तीन वेक्टर्स काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, तीन क्या भाई 350 वेक्टर काम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, तो सर उस वाले केस में हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? तो बेटा फिर अपने पास मेथड क्या होगा अगर तीन वेक्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले किसी दो का एक निकाल ले रिजल्टेंट, ठीक है, तो दो को गायब करके एक बन गया उसका रिजल्टेंट, उसके बाद तीसरा वाला और रिजल्टेंट इन दोनों का निकाल ले, दैट बिकम्स द वेक्टर समेशन, दैट बिकम्स द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस। आई बात समझ में? हालांकि क्वेश्चंस करेंगे तो वो फंडा और भी क्लियर होता है। तो एक काम करो अभी ना, इसको जिस भी कॉपी में तुम नोट कर रहे होगे, ठीक है, उसमें ना तुम डाल लेना एक बार हेडिंग वेक्टर एडिशन, ठीक है, डाल लो हेडिंग वेक्टर एडिशन और उसके अंदर ये सारी चीजें आप जरा नोट कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर मैं आपको कहानी में आगे लेके चलता हूं सुपर पोजिशन के ऊपर, ठीक है। हालांकि सुपर पोजिशन का बेसिक फंडा जो था वो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया, अब उसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो ठीक है फिर, बहुत शानदार, इसको तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। अब जरा इसको यहां से गायब किया जाए और एक बार ना ये अब जरा इसको देखना स्टार्ट करना, ठीक है। सर यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो बेटा ये r नॉट n का मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ठीक है। बट द थिंग इज दिस कि जब मैं q नॉट पे फोर्स निकालना चाहूंगा, जब मैं सिर्फ इसकी बात करते हैं, जब q नॉट और मैं q n की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो q नॉट पे फोर्स निकालना है। हालांकि मुझे पता है कि q नॉट वाला भी q n वाले को रिपेल तो करेगा, लेकिन 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 हमें अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करना है कि बेटा अभी तो अपने को फोर्स निकाल रहे हैं q नॉट के ऊपर, तो भाई q नॉट पे कौन लगा रहा है फोर्स? Qn लगा रहा है, तो Qn वाला तो Q0 को रिपेल ही करेगा ना, तो मतलब Q0 पे फोर्स लग जाएगा इस तरफ नीचे की तरफ। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां तक का पूरा फंडा क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, लिख दूं मैं यहां पे कि नेट फोर्स इज टू बी इवैल्यूएटेड ऑन Q0, नेट फोर्स इज टू बी evaluated, net force is to be evaluated on the, net force is to be evaluated on the charge Q naught, net force is to be evaluated on the charge क्या है Q naught, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा बेहतरीन तरह से, ठीक है। देखो भाई सेंटर वाले चार्ज पे जब मैं F naught लिखता हूं ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, F naught का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज Q naught, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज, जिस चार्ज पे अपने को सारे फोर्सेस निकालने हैं, तो फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज Q नॉट हो जाएगा। किसका मतलब बेटा? F नॉट का मतलब, ठीक है। अब जरा आप गौर फरमाते हुए चलिए, देखिए सेंट्रल वाले फोर्स पे, सेंट्रल वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स काम करेगा बेटा वो किसके वजह से करेगा? देखो बेटा पहले तो Q1 वाले की वजह से करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। वेक्टर इसका समेशन कर देंगे, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू क्या, दूसरा वाला चार्ज। उसके बाद Q2 वाला हो गया, फिर Q3 होगा, फिर Q4 वाला फोर्स भी होगा, फिर Q5 वाला चार्ज भी तो फोर्स अप्लाई करेगा Q0 के ऊपर, ऐसे करते करते n मतलब Qn वाला चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू nth वाला चार्ज, इसका वेक्टर समेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो बस कहानी खत्म हो गई। इसी को बोलते हैं अपन सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? सुपरपोजिशन, कि किसी भी चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना हो ड्यू टू मल्टीपल अदर चार्जेस प्लेस्ड स्टैटिक, ठीक है, रुके हुए हैं, ये Q नॉट हो गया, Qn हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, ये मूव थोड़ी कर रहे हैं, ये रुके हुए चार्जेस हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सेंट्रल चार्ज पे नेट फोर्स निकालना होता है ना ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पहले वाले का फोर्स निकाल लो, उसका वेक्टर समेशन कर लो दूसरे वाले के फोर्स के साथ, उसका वेक्टर समेशन कर लो तीसरे वाले फोर्स के साथ, ठीक है, ऐसे टिल nth वाला चार्ज। और एक बड़ी खास बात है जो मैं आपको बताता हूं बेटा,
जब मैं फोर्स निकाल रहा हूंगा ना सेंट्रल चार्ज पे, किसकी वजह से? पहले वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। तो यहां पे ना जब मैं सेंट्रल वाले चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूंगा ड्यू टू Q1 वाला चार्ज, तो मैं बिल्कुल सोचूंगा भी नहीं कि आसपास Q2, Q3, Q4, Q1 ये सब कहां रखे हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली जब मैं सेंट्रल वाले चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूंगा ड्यू टू Q2 वाला चार्ज, तब भी मुझे ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि Q1, Q3, Q4, Q5 टिल Qn ये सब की प्लेसमेंट कहां पे होके रखी हुई है, ठीक है। मतलब जब भी आप सेंट्रल वाले चार्ज पे फोर्स निकालें किसी दूसरे चार्ज के वजह से, तो आपको इसके अलावा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का ये वाली बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात होती है बेटा। तो इसको अपन डब्बे में डाल लें, एक बार इसको अपन डब्बे में डाल लें, इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूं कि यहां पे किन चीजों का मतलब क्या है। हियर अगर मैंने F0 लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये फोर्स है किस पर? Q0 पर। किसकी वजह से? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू किसकी वजह से? Q1 की वजह से, ठीक है। जब मैंने F02 लिखा है, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये वाला भी फोर्स है किस पर? Q0 पर। ये वाला भी फोर्स है किस पर? Q0 पर। किसकी वजह से? Q2 की वजह से। सिमिलरली जब मैंने F0N लिखा होगा, सिमिलरली जब मैंने F0N लिखा होगा, तो ये भी क्या होगा? ये भी फोर्स होगा किस पर? फोर्स ऑन Q0 होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू nth वाला चार्ज, Qn की वजह से। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ ना बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ये जान थी, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ये जान थी। तो ये स्टेटमेंट विल नाउ स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू, ठीक है। अब जरा पढ़ने क्या लिखा हुआ सर, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका मैं दूंगा, दो मिनट रुक जाओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेटमेंट आ चुका है एग्जाम्स में, ये लिख के आ रहे हैं आपको, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज जो कि हमने मान के रखा था Q0, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस, ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, हालांकि आप मतलब आखिरकार क्या पढ़ रहे हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, ठीक है, तो एट रेस्ट पे होंगे चार्जेस, इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम, नॉट नॉर्मल समेशन, वेक्टर समेशन, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस जो आसपास के रखे थे ना चार्जेस, तो ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, ठीक है, वही तो कहा था बेटा, टेकन वन एट अ टाइम, ठीक है। पहले सेंट्रल चार्ज मतलब Q0 पे जो फोर्स अप्लाई करा Q1 ने, ठीक है, वो निकाल लिया। जब मैं सेंट्रल वाले चार्ज पे Q1 वाले चार्ज की वजह से फोर्स निकाल रहा था, तो मैंने दो रुपए का ध्यान नहीं दिया भाई Q2 पे, Q3 पे, Q4 पे, Q5 पे, Q1 पे, ठीक है, वन एट अ टाइम, ठीक है। जब मैंने सेंट्रल वाले चार्ज पे फोर्स निकाला ड्यू टू Q2 वाला चार्ज, तो मैंने दो रुपए का ध्यान नहीं दिया कि भाई Q1 वाले चार्ज ने क्या फोर्स अप्लाई करा होगा, उसके बाद Q3 ने क्या करा होगा, Q4 क्या कर रहा होगा, मेरे को उसकी पड़ी नहीं है, ठीक है, आया समझ। तो टेकिंग वन एट अ टाइम और सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन है लिखा हुआ है, ठीक है, ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, उसके बाद द फोर्सेस ड्यू टू individual charges are unaffected, the forces due to individual charges, मतलब Q1 का हो गया, Q2 का हो गया, तो जब मैं Q1 का force निकाल रहा हूं किस पर? Q0 पे, ठीक है। जब मैं Q1 का फोर्स निकाल रहा हूं कि Q1 ने कितना फोर्स अप्लाई करा Q0 के ऊपर, तो मैं उस समय Q2 के फोर्स के बारे में सोचूंगा भी नहीं, ठीक है, कि Q2 क्या फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, मैं उस समय Q3 के फोर्स के बारे में सोचूंगा भी नहीं कि Q3 ने क्या फोर्स अप्लाई कर दिया होगा। जब Q1 के फोर्स की बात करेंगे, पूरा फोकस सिर्फ Q1 के फोर्स के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, समझ गए तुम मेरे ख्याल से, ठीक है। द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस प्लेस नियर बाय, ठीक है भाई, जब Q1 का फोर्स निकाल रहा हूं ना, तो आसपास Q2, Q3, Q4, Q5 हो चाहे ना हो, मुझे पड़ी ही नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला सेम रहता है KQ1Q2 बाय R का स्क्वायर, ठीक है, आगे पूरी बात समझ में, और उसके बाद फिर ये रहेगा आपके सामने पूरा का पूरा वेक्टर नोटेशन, नेट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, तो अब आप पहले ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको वो ब्लैक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, ठीक है, जल्दी करेंगे बेटा जल्दी, फुर्सत में, 3, 2, 1 रेडी गो एंड डन, आगे बात समझ, चलो बढ़िया बहुत शानदार। अब उसके बाद ना एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार अभी सुन लो, कहाँ गई
एफ नॉट वन, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल चार्ज और पहले वाले चार्ज के बीच का फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स अपन कैसे निकालेंगे, के क्यू वन क्यू टू बाय आर का स्क्वायर बताया था ना, बस वही वाला फॉर्मूला जो है वो अपन अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर का यहां पे मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। अब सर यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि आपको डायरेक्शंस दर्शाता है कि फोर्स काम तो कर रहा है बट किस एक्सिस पे या किस डायरेक्शन पे काम करेगा, तो वो सब बता दूंगा मैं। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जल्दी, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। और बेटा ऐसे ही लिखना एकदम बेहतरीन प्यारी सी हैंडराइटिंग में, ताकि जब तुमको भी रिवाइज करो ना तुमको चीजें चमके, ठीक है। अगर ऐसे एकदम खिचड़ी बना के लिख दोगे ना तो फिर रिवाइज किया नहीं जाता भाई, है ना। वैसे नोट से रिविजन नहीं हो पाता, मैं बता रहा हूं, ठीक है। जितनी प्यारी राइटिंग में लिख लोगे ना, इसलिए भाई राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो तुम पढ़ोगे वही तुम्हारे दिमाग में इम्प्रिंट होगा ना, अगर बेकार सी राइटिंग का इम्प्रिंट छप गया तो वो बेकार ही छपा होगा, आया समझ में। तो ट्राई करो कि राइटिंग तुम्हारी सुधर जाए, चलो ओके डन, इतना पूरा फंडा क्लियर हो गया बेटा। अब जरा ना यहां पे आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या लिख दिया, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ना सर, ये कैसे फॉर्मूला एक्सपैंड कैसे होगा, इतना लंबा फॉर्मूला कैसे एक्सपैंड हो गया। अब आपको मैं इसके बारे में जरा छोटी सी जानकारी देता हूँ, छोटा सा ये कंटेंट है, इतना लंबा कंटेंट है भी नहीं, ठीक है। एफ नॉट वन का मतलब क्या होता है, फोर्स बिटवीन सेंट्रल चार्ज एंड द फर्स्ट चार्ज, ठीक है, फोर्स बिटवीन सेंट्रल चार्ज एंड द फर्स्ट चार्ज, ठीक है। तो एक काम करूं क्या, आप लोगों ने ये सब तो पूरा नोट कर ही लिया होगा ना मेरे ख्याल से, ये तो आपने पूरा नोट कर ही लिया होगा, तो मैं इस वाले हिस्से को मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है, मैं इस वाले हिस्से को यहां से मिटा रहा हूं, ताकि मैं अब आपके सामने कूलम्स लॉ को बहुत ही, मतलब कूलम्स लॉ का ही तो पूरा यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा हुआ है ना, तो बेहतरीन तरह से इसको प्रस्तुत कर दिया जाए आपके सामने, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो बेटा जल्दी फुर्ती में देखो, जब नेट फोर्स निकालना है आपको सेंट्रल के ऊपर एफ नॉट, ठीक है, तो ये अपने पास क्या था बेटा, एफ वन वेक्टर था, एफ वन का मतलब, एफ नॉट वन का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल वाले पे एफ, ये क्यू वन ने कितना फोर्स अप्लाई करा, तो के क्यू वन मतलब कितना है, क्यू नॉट मान लेते हैं, Q2 मतलब क्या है, क्यू वन मान लेते हैं, ठीक है। अपॉन नीचे क्या होता है बेटा, नीचे होता है दूरियों का स्क्वायर, ठीक है। तो दूरियां यहाँ पे क्या हो जाएंगी अपने पास, देखो एक बात देखो बताऊं, सिंपल सी बात देख, ये जो Q1 वाला है ना, ये Q1 वाला Q0 वाले को धक्का मारेगा नीचे की तरफ, ठीक है। मैं अभी के लिए आपको ना एक बार ये बढ़ा के दिखा दूं, क्या सही रहेगा, Q1 वाला Q0 वाले को धक्का मारेगा ऐसे नीचे की तरफ, सही लग रहा है, सही जा रहा है। तो ये जो अपनी डायरेक्शन हो गई ना, वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो नॉट से वन, मतलब जीरो से वन नहीं है, वो वन से जीरो जा रहा है, ठीक है, मेरी बात समझो। जब मैंने इसको R01 लिखा, ठीक है, इसका मतलब क्या था कि भाई Q0 से लेकर के Q1 तक की दूरी, ठीक है, इसलिए नॉट पहले आया वन बाद में आया। लेकिन जब मैं ये निकालता हूं कि Q1 ने Q0 पे क्या फोर्स अप्लाई करा, तो भैया Q1 ने Q0 को नीचे धक्का मारा, तो ये जो फोर्स की जो दिशा है बेटा, ठीक है, ये जो फोर्स की दिशा है, दिशा, ये फोर्स की दिशा है Q1 से Q0 की तरफ, ठीक है, ये फोर्स की दिशा कहां पे है बेटा, Q1 से Q0 की तरफ, Q1 से Q0 की तरफ, तो R10, ठीक है। और एक और बहुत प्यारी चीज बेटा, ये अपन के पास वैल्यू हो गई, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा R1 नॉट, इसका यूनिट वेक्टर मतलब कैप लगा दिया, ठीक है, आया समझ। सिमिलरली इसी चीज को ना हल्का सा अपन आगे एक्सपेंड और करते हैं, एक दूसरा वाले फोर्स का भी एग्जांपल ले लो ना, सही रहेगा, ठीक है। जब मैं ये Q2 वाले के फोर्स की बात करूंगा कि Q2 वाले ने Q1 वाले पे क्या धक्का मारा, तो फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, के Q0 Q2 अपॉन दूरियों का स्क्वायर, ये वाला इस वाले को यहां धक्का मार रहा होगा, समझ रहे हो मेरी बात तुम, ये वाला Q0 वाले को यहां धक्का मार रहा होगा बेटा, इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको जरा गौर फरमाइएगा, तो दूरियां क्या हो जाएंगी बेटा, ये 2 से 0 जा रहा है, ठीक है। जब मैंने इसको लिखा था ना, तब मैं दरअसल सेंट्रल चार्ज को पहले लेकर के आ गया था, उसके बाद सेंट्रल चार्ज से मैंने Q2 तक की दूरी को R02 बोल दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा मेरे भाई, ये जो Q2 वाला है ये Q0 वाले को वहां धक्का मार रहा है, इसका मतलब यहां से मैं यहां तक का दूरी मेजर करूंगा, तो वो R2 नॉट लिख देंगे, वुड बी गुड, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर होगा, अरे बाप रे, R2 नॉट, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा ना, के क्यू वन क्यू टू बाहर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा जी इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, तो यूनिट वेक्टर पकड़ लो कहां से कहां तक का, 2 से लेकर के 0 तक का, 2 से नॉट तक का, तो R2 नॉट इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर वगैरह 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 अपना पूरा चलता रहेगा, फिर आखिरी वाला आएगा के क्यू नॉट क्यू एन, दूरियां अपने पास क्या हो जाएगी बेटा, दूरियां हो जाएगी एन से नॉट तक का, ठीक है, एन नॉट इसका स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर जो तुम लोगे बेटा, सुनते हो चलना, ये वाला इसको नीचे धक्का मार देगा,
एक सेकेंड, सही जा रहा है। ये क्यू एन वाला क्यू नॉट वाले को यहां तक का मार देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन से लेकर के नॉट तक का कैप, ठीक है, एन से लेकर के नॉट तक का कैप। दिस इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारा मन करे तो के को कॉमन निकालो, और तुम जानते हो बकायदा कि के क्या होता है। अगर चार्जेस नहीं बताया हुआ है कि चार्जेस कैसे मीडियम में रखे हुए हैं, तो हम मान लेते हैं कि चार्जेस जो है वो वैक्यूम में रखे हुए हैं। अगर चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं तो के क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। एक काम करो, टाइम स्टैम्प मार्क करो, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू और डायमेंशनल फॉर्मूला, ये दो चीजें लिख दीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए के कॉमन निकल जाएगा, बाकी तो अपन जानते हैं, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, ठीक है, जल्दी 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 तुरंत से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, खत्म करेंगे, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बेटा बढ़िया, ये सब आपका पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये वाला फंडा ये पूरा क्लियर हो चुका है। तो अपन ने यहां पे क्या कर लिया बेटा, एफ नॉट जब निकालेंगे ना तो K ऐसे बाहर आ गया, उसके बाद अंदर क्या बचेगा, वही Q नॉट Q1, उसके बाद जो भी चीजें थी, तो बस K कॉमन निकाल लिया, मतलब अपनी वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से बस K कॉमन निकाल लो, इतना कर लो, ठीक है, K कॉमन निकालोगे तो मतलब K का मतलब क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अंदर ना एक फिक्स पैटर्न चल रहा है, अगर आप गौर करें तो Q0 Q1 फिर उन दोनों की दूरियों का स्क्वायर, उसके बाद Q0 Q2 फिर उन दोनों की दूरियों का स्क्वायर, फिर Q0 Q3 फिर उन दोनों के बीच की दूरियों का स्क्वायर, ये एक फिक्स्ड पैटर्न चल रहा है, और फिक्स्ड पैटर्न का समेशन चल रहा है। क्या बोला मैंने, एक फिक्स्ड पैटर्न का समेशन चल रहा है, एडिशन चल रहा है। तो यहां पे मैं इस ऑपरेटर, समेशन ऑपरेटर को लेकर के आ जाऊंगा, सिग्मा, ठीक है, जिसमें लिखा है क्यू नॉट क्यू आई, क्यों की मुझे पता है कि क्यू नॉट तो तीनों हर टर्म्स में कॉमन है, ठीक है, क्यू नॉट तो आपको हर जगह दिखने ही वाला है, तो क्यू नॉट को लिख दिया अपन ने। चेंज क्या हो रहा है, कभी क्यू वन, फिर कभी क्यू टू, फिर कभी क्यू थ्री, फिर कभी क्यू एन हो जाएगा, तो मैंने उसको क्यू आई लिख दिया, ठीक है, जहां पे मुझे पता है कि जो क्यू आई है ना, वो आई की जो वैल्यू है वो पहले 1 होगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर समेशन अप टिल n हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और चलते रहेगी टिल n तक, ठीक है। और ये वाला जो यूनिट वेक्टर था वो भी सेम फंडा शो करेगा, r 1 नॉट का स्क्वायर, r 2 नॉट का स्क्वायर, r 3 नॉट का स्क्वायर, तो मतलब क्या है, नॉट तो कॉमन ही है, बस कभी 1 चेंज, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया, कभी 4 हो गया, तो आई लिख दिया अपन ने इसको, चलेगा आप लोगों को इतना पक्का श्योर हो, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया, तो ये रहेगा अपने पास इसका पूरा अल्टीमेट फॉर्मूला, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब सर यहां पे ये क्यूब कैसे आ गया, यहां पर ये क्यूब कैसे आ गया, तो आपको मैं जरा बता दूं बेटा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, और सर कहां पढ़ा था ये, तो मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं चेक करा है, सारे वीडियोस को बकायदा नहीं देखा है, तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा जाकर के पूरा प्लेलिस्ट चेक कर लो, हर एक वीडियो को देख लो, बहुत लेंदी वीडियोज नहीं है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के ही वीडियोज है, आपकी सहूलियत के लिए ही बनाए गए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के, तो जाकर के हर एक वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, ठीक है, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो फिर उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था बेटा कि जब हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, ठीक है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है, जब यहां पे यूनिट वेक्टर है r i नॉट, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मॉडुलस, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, आया समझ में, तो यहां पे मैंने वही करा बेटा, ये तो यहां तक का तो फॉर्मूला एकदम सही है, सही पूरा फॉर्मूला ही है, लेकिन यहां तक का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बहुत तरीके से बैठा होगा, ठीक है, अब ना तुम उसके बाद यहां पे अटक रहोगे, देखो ये बात एकदम सही जा रही है, उसके बाद देखना है अपने पास ये जो लिखा था ना, ये क्या था, ये r i नॉट, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर, इसको लिख दिया अपन ने वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, इसलिए यहां पे आ जाएगा वेक्टर और नीचे आ जाएगा r i नॉट का मॉडुलस, जब r i नॉट का मॉडुलस मतलब r i नॉट, ठीक है, जब r i नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा r i नॉट के स्क्वायर के साथ, तो बन जाएगा r i नॉट का क्यूब, इसी वजह से यहां पे क्यूब आ गया। सेम यही क्यूब वाला फंडा जो है ना बेटा, वो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में भी आ चुका था, इसलिए बोल रहा हूं प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो चेक कर लेना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऐसे कुछ नाम है उसका, ठीक है, ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया। उसके बाद किसी भी वेक्टर को आप लिखते कैसे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो r नॉट माइनस क्या हो जाएगा r i, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपको इसका मॉडुलस चाहिए तो बेटा मॉडुलस के लिए अपन ऐसा वाला सिंबल लगाते हैं, ठीक है, मतलब अगर x वेक्टर है, मुझे इसका मॉडुलस चाहिए,
बस ऐसे ही अलग सिंबल लगा दिया, ठीक है, चलेगा आप लोगों का पूरा फंडा। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा वेक्टर नोटेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर जो भी यहाँ पे कारनामा किया गया था ना, यूनिट वेक्टर को खोलने वाला कारनामा, वो मैंने यहाँ पे आप लेके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख करके दिखा दिया है। तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट क्या है, अगर तुम्हारे पास टाइम है, कॉपी किताब लेके बैठे हो, तो बकायदा नोट ही करते हुए चलो ना यार। नोट करने से प्यारी बात क्या ही होगी। हो गया, 3, 2, 1, रेडी, गो, डन। चलो, ये वाला फंड आप लोगों का पूरा सुपर क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब आगे अपने पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। टू चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दो चार्जेस हैं 20 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, मान लेंगे अपन इस बात को। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है। सवाल का अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए तो बकायदा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अगर सेल्फ ट्राई करना चाहो तो इससे प्यारी बात क्या ही हो सकती है। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो अब आ जाओ बेटा। तो दो चार्जेस हैं 20-20 के, ये तो अपना हो चुका ना पूरा, क्लियर करेंगे उसको, ठीक है। दो चार्जेस थे अपने पास 20-20 माइक्रो कूलम के, ठीक है। तो एक चार्ज अपन ने यहां पे रखा, दूसरा चार्ज अपन ने फिर यहां पे सेम डिस्टेंस पे रखना था ना। रुको, तो अभी कर रहा है पूरा फंडा क्लियर। थाम्बा, और सर्कल चाहिए, सर्कल, बढ़िया, सही है, ठीक है। तो अपने पास ये दो हो गए हैं चार्जेस 20 माइक्रो और 20 माइक्रो कूलम के, ठीक है। तो लिख दें जरा इसके अपन चार्जेस यहाँ पे, दिस इज 20 माइक्रो कूलम एंड दिस इज ऑल्सो 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। इसका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अब इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। इसके सेंटर से ना 4 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट है, तो पॉइंट नहीं, वहाँ पे एक चार्ज ही प्लेस्ड है मेरे ख्याल से, और वो चार्ज है 1 माइक्रो कूलम का। जो ये चार्ज है ना, वो चार्ज है दरअसल 1 माइक्रो कूलम का। तो अपन इस डिस्टेंस को पकड़ लेते हैं, डिस्टेंस कितना हो चुका है अपने पास, ये था अपने पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख दें उसको भी भाई, इसके बिना काम थोड़ी हो पाएगा यार, इसके बिना काम थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने पकड़ लिया, इसका डिस्टेंस कितना हो चुका है 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब ये पूरा था कितना, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हो चुका है 6 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो इस पूरी बात को, चलो ठीक है। अब जरा गौर करना, अपने को तो ये निकालना है कि भाई इस वाले 1 माइक्रो कूलम वाले पे नेट फोर्स कितना काम करेगा, ठीक है। सिर्फ यही निकालना है अपने को कि इस 1 माइक्रो कूलम वाले पे नेट फोर्स कितना काम करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, क्या ये अपने पास है 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। इस पे नेट फोर्स कितना काम करेगा, अब जरा गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से, ठीक है। जब मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है ना, तो मेरे को ये समझना चाहिए कि इस पर फोर्सेस कौन कौन लगा रहे हैं, आया समझ। जब मुझे इस पर फोर्स निकालना है तो पहले मैं ये समझ तो लूं भाई कि इस पर फोर्सेस कौन कौन लगाएंगे। तो इस पर फोर्स लगाने वाला ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि ये वाला इसको भी रिपेल कर रहा होगा, 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 लेकिन मुझे उसकी नहीं पड़ी है। सवाल में मुझसे क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 माइक्रो कूलम, तो मुझे बस ये निकालना है कि 1 माइक्रो कूलम वाले पे क्या फोर्स काम करेगा, बस वही निकालना है, बस वही निकालना है, ठीक है। अब सोचते हुए चल, इस पर पहला फोर्स कौन अप्लाई करेगा, मतलब इस पर कौन कौन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो चार्ज है वो भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला जो चार्ज है वो भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, और सबसे प्यारी बात क्या है, जितना फोर्स ये अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इस पर अप्लाई करेगा। बिकॉज कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर का स्क्वायर। तो के 20 माइक्रो 1 माइक्रो अपॉन दूरियों का स्क्वायर, सेम दूरियां हैं यहां की और यहां की। इनफैक्ट मैं अभी एक काम करता हूं ना, इसका जो पूरा मसला है ना दूरी वाला, वो अभी खत्म ही कर देता हूं, सुनते हुए चलो। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना 5 सेंटीमीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे इतना पूरा समझ में, तो ये वाली इसकी कहानी होती है पूरी, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से, भाई जो 20 माइक्रो कूलम वाला है इस पर फोर्स अप्लाई कर देगा,
ठीक है, क्या बोल देंगे उस फोर्स को, एफ बोल देंगे, ठीक है। और ये 20 माइक्रो कूलम वाला है, ये भी इस पे फोर्स अप्लाई कर देगा, क्या बोल देंगे इस फोर्स को अपन, इस वाले फोर्स को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एफ ही बोलेंगे, ठीक है। दोनों का फोर्स सेम ही होगा ना, इस बात पे खास ध्यान रखना बेटा, दोनों का फोर्स सेम ही तो होगा, दोनों का फोर्स जो है वो बकायदा सेम होने वाला है, ठीक है। अब इसको ना अपने को हल्का सा रिजोल्व करना पड़ेगा, अब आ गया है यहाँ पे रिजोल्यूशन का मसला, ठीक है, आराम से करेंगे रिजोल्व, बेफिक्र रहो, बेफिक्र बेफिक्र बेफिक्र, ठीक है। अब सुनते हुए चलना, क्या प्यारा रिजोल्व करेंगे। देखो भैया, पहले इस वाले फोर्स को अपन रिजोल्व करेंगे वाई पे कर देंगे, एक्स पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन इस वाले फोर्स को भी रिजोल्व करेंगे तो वाई पे भी कर देंगे और फिर एक्स पे भी इसको अपन रिजोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये 1 माइक्रो कूलम का चार्ज था, लेकिन क्या है कि जगह के बहुत बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि ये 1 माइक्रो कूलम है, चलेगा आपको इतना, या मैं लिख दूं उसको यहाँ पे नीचे, लिख दूं क्या इसको मैं यहाँ पे कि दिस इज 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब जरा एंगल्स पे फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कहाँ करना पड़ेगा बेटा फोकस, एंगल्स पे, ठीक है। सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली जो ये वाला एंगल हो जाएगा वो भी थीटा हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलम को जगह नहीं मिल रही बेटा, ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस पूरी बात को। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। इनफैक्ट ना इसमें मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन गया आगे, तो फिर ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो सेम लाइन ऑफ एक्शन आगे गया, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मेरे को ये नीचे वाले 2 थीटा की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि मैंने उसको शो कर दिया था, समझ रहे हैं आप इस पूरी बात को। अब मैं यहाँ पे चार्ज को लिख दूँ कि 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है यहाँ पे, ये चार्ज जो है ना ये 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है। अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, ये एंगल थीटा, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये वाला एंगल थीटा। अब वेक्टर्स को बेटा रिजॉल्व कैसे किया जाता है, हाउ डू वी रिजॉल्व वेक्टर्स, अब जरा आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। देखो एफ को अगर मैं थीटा पे रिजॉल्व कर दूंगा तो दिस बिकम्स एफ कॉस थीटा, एफ को अगर मैं थीटा पे रिजॉल्व कर दूंगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा, समझ गए। अब इस F को जगह नहीं मिल रही बेटा, यहाँ पे हटाओ उसको, हटाओ, और यहाँ पे अब मैं जरा प्यार से इसको F लिख दूंगा नीचे, क्योंकि इसी को तो रिजॉल्व करा है कि नहीं, F को रिजॉल्व करा, F cos थीटा, F sin थीटा। अब इस वाले F को अपन रिजॉल्व करेंगे, एंगल पूछो cos चिपकाओ, F को जैसे अपन रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा। क्लास 11th के ना जो वेक्टर्स के रेजोल्यूशन वाले फंडे थे मेरे, ठीक है, अगर आप चाहें तो क्लास 11th का प्लेलिस्ट भी जा करके चेक कर सकते हैं। वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का बहुत ही प्यारा तरीका, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट है, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, कैसे अप्लाई करते हैं वो भी तुम वहां पर देख लोगे, हालांकि अभी के लिए समझना इतनी सी बात है। अगर एफ को रिजॉल्व करना है थीटा के एंगल पे, तो एंगल पूछा, कॉस चिपका दिया, एफ कॉस थीटा, ऊपर वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ को रिजॉल्व करना है थीटा पे, तो एफ कॉस थीटा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, F cos theta right में, F cos theta left में, तो वो तो cancel out हो चुका, ठीक है, तो अपन लिख देंगे कि all F cos theta component cancels out each other, ठीक है, F cos theta component cancels out each other, F cos theta component cancels out each other। अगर F cos थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, अब जरा गौर करना, एक मिस हो गया F sin थीटा। देखो तो F को रिजॉल्व कर F cos थीटा, ऊपर क्या चले जाएगा बेटा, F sin थीटा, समझो बात को, आया समझ, ये ऊपर क्या हो जाएगा, F sin थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे कायदे की बात क्या है कि सारा का सारा F cos थीटा जो है वो निपट गया और बचेगा सिर्फ और सिर्फ F sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो आप इसको ना सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है सर, कैसे लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स बचेगा वो अपने पास क्या बच जाएगा, देखते हो चलना, F sin थीटा प्लस F sin थीटा, ठीक है, तो 2F sin थीटा, F sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो अपने पास जो रिजल्टेंट फोर्स बचेगा, अपने पास जो नेट फोर्स बचेगा वो हो जाएगा 2F साइन थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, 2F साइन थीटा। और भूल मत जाना कि F कैसे निकला था, F का मतलब बस इतनी सी बात थी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यार इसके और इसके बीच का फोर्स निकाल ले, या फिर इसके और इसके बीच का फोर्स निकाल ले, वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, इत्मीनान से 2 को एकदम खोपचे में रहने दो, ठीक है, F के बारे में सोचो, के
उसके बाद Q1 कितना है 20 माइक्रो, तो 20 माइक्रो मतलब क्या है 10^-6, ठीक है। तो K Q1 तो हो चुका, उसके बाद Q2 तुम्हारे पास कितना है, Q2 तुम्हारे पास है 1 माइक्रो, ठीक है। तो 1 × 10^-6, उसके बाद के Q1 Q2 हो चुका है अपॉन नीचे करेंगे अपन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस यहां पे कितना आ चुका बेटा, यहां से यहां तक की दूरी ना, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा उसका स्क्वायर। और साइन थीटा को भूल मत जाना, ऐसे खोपचे में साइन थीटा, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, बहुत शानदार, इसको तो फिर नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब जरा इसको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट आंसर अपने को नहीं चाहिए, ठीक है, सुनते हो। चलो 2, अच्छा k का मतलब क्या होता है 9 × 10^9, अच्छा 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 k का मतलब क्या होता है 9 × 10^9, फिर q1 q2 / r का स्क्वायर तो हो चुका है, तो 20 × 1 करेंगे तो 20 ही कहानी में आ रहे हैं। उसके बाद 10^-6 - 6 मतलब कितना हो जाएगा -12 अपॉन नीचे अपने पास क्या आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 10^ कहाँ पहुंच गए बेटा, -4 तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद निकाल दो अब यहाँ पे इत्मीनान से साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। तो ये रहा अपने पास थीटा, परपेंडिकुलर है 4 और H की वैल्यू हो जाएगी 5, मतलब 4/5, ठीक है, 4/5 कर देंगे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा एफ नेट अपने पास क्या हो जाएगा, नंबर अलग अलग, फिर उसके बाद पावर्स अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे जरा काटा पीटी मचाई जाए क्या, तो मजा आ जाएगा ना, ठीक है, मचाते हैं थोड़ी सी काटा पीटी। 5 ने उड़ा दिया इसको 4 से, ठीक है। और किसी को जाने का मन कर रहा है क्या, नहीं, तो अभी अपन इसको इतने पे रखते हैं, ठीक है। एफ नेट क्या हो जाएगा बेटा, 2 9 = 18 हो गया है, 2 9 से कितना हो गया 18, और फिर 18 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और उसके बाद 8 लेंगे तो 72, ठीक है, 32 मतलब 72, तो 72 ऊपर आ चुका है, नीचे अपने पास कितना आ जाएगा 25, सही जा रहा हूँ क्या मैं, 2 9 से कितना 18 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 10 = 40 हो गया, और फिर 8 करेंगे 32, 72, तो 72 अपॉन नीचे कितना है 25। अब जरा पावर से पावर खेल ले एक बार, 10^9, 10^ कितना है यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़ करो ना, 10^13 कर लो, ठीक है, 10^13 और 10^ मतलब -12, तो 13 - 12 करेंगे 10, तो 720 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, तो 720/25 न्यूटन, इट्स एज सिंपल एज दैट। फर्दर आपको अगर सॉल्व करना हो तो प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी जो भी आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता दीजिएगा, मेरे ख्याल से ये पूरा सही करा गया है। तो ये एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा वाला ही क्यों ऐड हुआ, बिकॉज यहाँ पे एफ कॉस थीटा वाला कैंसल हो चुका था, ठीक है, इसको रिजोल्व करें, एफ कॉस थीटा यहाँ पे एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा कैंसल्स आउट, तो बचेगा बस एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, मतलब 2f साइन थीटा, और f को खोला k q1 q2/r के स्क्वायर में, r था 5 सेंटीमीटर, उसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेंटी का मतलब क्या होता है 10^-2, उसके बाद माइक्रो का मतलब क्या होता है 10^-6, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास का पूरा डिटेल्ड आंसर, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन इसे खत्म करते हैं, हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बेटा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा, ये था इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन। तो ऐसे ही होता है बेटा, मल्टीपल चार्जेस की वजह से आप कैसे फोर्स निकालते हैं आपको पता है ना, आपने सिंपली इसको ऐड थोड़ी किया था, ये थोड़ी कि आपने बस इसका फोर्स एफ मान लिया, इसके फोर्स को भी एफ मान लिया, दोनों को ऐड करके 2f बोल दिया, भाई 2f नहीं अपना आंसर, अपना आंसर 2f साइन थीटा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे ना इसका वेक्टर समेशन करना है, इस वाले का क्या वेक्टर फोर्स था एफ के बराबर, इस वाले का क्या वेक्टर फोर्स था एफ के बराबर, तो फिर आपने उसको वेक्टर्स मानते हुए रिजॉल्व किया ना, रिजॉल्व करने के बाद जो बचा वो बचा 2f साइन थीटा, तो आपने उसको इवैल्यूएट किया, आया दिमाग में, पूरा फोकस हो पा रहा है, तो ऐसे आएगा अपना आंसर 2f साइन थीटा के बराबर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये अपने पास था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल, ठीक है, समझ गए इस पूरे आंसर को आप, तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी सुपर क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ये था अपने पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो भी आपने सीखा आज के लेक्चर में उसको नोट्स के तौर पे बकायदा लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। अगर नहीं लिखा है अभी भी, अगर अभी भी वैसे ही लेटे हुए हो तुम बिस्तर पे ईयरफोन लगा करके और बस वीडियो देखे जा रहे हो, हाँ 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 सही बता रहे हैं सर, सही बता रहे हैं, अगर ये तुम्हारा फॉर्मेट चल रहा है ना भाई, तो अभी इसके बाद 3-4 टॉपिक आएगा आगे, उसके बाद चीजें दिमाग के ऊपर से निकलना शुरू हो जाएंगी, क्यों भाई, जब डेरिवेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, तो बिना लिखे तुम
रिटेन नहीं कर पाओगे, समझे? इसलिए बोल रहा हूं, बड़े प्यार से बता रहा हूं कि भाई नोट कर लो, उसके बाद उसको रिवाइज कर लो। नोट कर लिया, रिवाइज कर लिया तो अब कॉन्सेप्ट हो चुका है पुख्ता। इसके बाद ना ये सब करने के बाद अगर परेशानी आए तो फिर मुझे बताना कि सर मैंने तो पूरा करा, इसके बाद भी क्यों परेशानी आ रही है, जो कि ऐसा होगा नहीं। समझ गए इस पूरी बात को? ठीक है, तो चलिए अब क्लास को ओपन करते हैं, यहीं पे खत्म। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको जो भी चीजें थी जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, अगर आप लोग को बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है तो फायर इमोजी अपने चल ही रहे होंगे। और उसके बाद ना शेयर कर दीजिएगा इसको, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसके बियॉन्ड कुछ और डाउट अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में सुपर एक्टिव होकर के अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा दीजिए। मैं और मेरी पूरी टीम इतनी सुपर एक्टिव होती है बेटा, जैसे कोई डाउट आया अगर लगा कि हाँ भैया ये डाउट जो है ना ये अपन अभी के अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं सिंगल लाइन में, तो वहीं पर मैं कॉमेंट टाइप कर दूंगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं यार इस पर ना एक क्वेश्चन ही फ्रेम करना पड़ेगा तो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन को डाल देता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट को भी बहुत अच्छे से चेक करते रहा करो रेगुलरली। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब करते हैं यहीं पे खत्म। आपसे मुलाकात होगी इसके अगले वाले क्लास में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।